भारतीय सिनेमा का वो एक्टर जिसने एक्टिंग की हर विद्या में काम किया और खुद को साबित किया। अपनी सीधी साधी एक्टिंग से फारुख शेख ने सीने प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लीड एक्टर से लेकर साइड हीरो और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट, 40 सालों तक इन्होंने एक्टिंग की और केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी पर भी कुछ बड़े और दमदार किरदार इन्होंने निभाए। फारुख शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के वडोदरा के पास एक गाँव में हुआ। इनका खानदान अपने गांव का जमींदार माना जाता था। 5 भाई बहनों में फारूक सबसे बड़े थे। इनके पिता मुस्तफा शेख एक लॉयर थे और मुंबई में प्रैक्टिस करते थे। वहीं इनकी माता का नाम फरीदा था और इनके पिता से शादी करने से पहले वो एक पारसी थी। इनके पिता चाहते थे कि ये भी उनकी तरह लॉयर बने, इसीलिए जब गाँव में इनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हो गई तो इनके पिता ने इन्हें मुंबई बुला लिया और सेंट मैरिज स्कूल में दाखिला करा दिया। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। सेंट जेवियर्स में ही ये पहली दफा एक्टिंग की तरफ आकर्षित होना शुरू हुए और कॉलेज में होने वाले नाटकों में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी कॉलेज में इनकी दोस्ती शबाना आजमी से हुई, जो कि इनकी जूनियर थी। शबाना आजमी और फारूक साहब ने कई नाटकों में साथ काम भी किया। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन भी ज्वाइन कर लिया था और इब्टा के साथ भी ये नाटकों में काम किया करते थे। इसी दौरान इन्हें रेडियो ड्रामास में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम मिला था और यहीं से पहली दफा इनकी कमाई भी हुई। सेंट जेवियर्स के बाद सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से फारूक ने जब अपनी वकालत पूरी की तो इनके पिता को लग रहा था कि अब उनका बेटा उन्हीं की तरह वकालत करेगा, लेकिन दोस्तों साथ ही यूं ही शुरू हुआ इन्होंने अभिनय के अपने पैशन को। ये फिल्मों में काम करना चाहते थे। मशहूर डायरेक्टर MS सेथ्यू ने इन्हें अपनी फिल्म गर्म हवा में काम करने का ऑफर दिया। ये वो वक्त था जब MS सेथ्यू के पास फिल्म बनाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे और वो अपनी जानकार एक्ट्रेस से उस फिल्म में मुफ्त में काम करने के लिए कह रहे थे। MS सेथ्यू की उम्मीद फारूक शेख ने नहीं तोड़ी और वो इसीलिए क्योंकि सेथ्यू जिस सब्जेक्ट पर गर्म हवा फिल्म बना रहे थे, फारूक को वो बेहद पसंद आया। फारूक ने जब फिल्म साइन कर ली और इनके घर तक ये खबर गई तो पिता बेहद नाराज हुए। वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे, लेकिन जब फारूक ने उन्हें फिल्मों के सब्जेक्ट के बारे में बताया तो वो शांत हुए और उन्होंने फारूक को फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। फिल्म बनी और रिलीज हुई। फारूक का काम हर किसी को पसंद आया। पहली ही फिल्म से फारूक पैलर सिनेमा का बड़ा नाम बन गए। गर्म हवा के बाद महान डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए फारूक शेख को साइन किया। फारूक ने इस फिल्म में भी अपने किरदार को मजबूती से निभाया। अगले साल ये मुजफ्फर अली की फिल्म गमन में नजर आए। इसके बाद तो मुजफ्फर अली के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी और फारूक ने मुजफ्फर अली की कई फिल्मों में काम किया। फारूक शेख 8 फिल्मों का एक बड़ा नाम बन चुके थे। हालांकि यश चोपड़ा की नूरी फिल्म में काम करके फारूक ने ये जता दिया था कि वो केवल 8 फिल्मों में ही नहीं बल्कि रोमांटिक फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। फिल्म में पूनम ढिल्लो के साथ फारूक की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। वहीं सई परांजपे की फिल्म चश्मे बद्दूर को भला कोई कैसे भुला सकता है। इस फिल्म में फारूक ने बड़ी जबरदस्त कॉमेडी की थी और दर्शकों को अपनी कॉमिक टाइमिंग का फैन भी बना दिया था। फारूक शेख की जोड़ी दीप्ति नवल के साथ खूब जमी। इन दोनों ने सई परांजपे की कथा में भी साथ में काम किया। लोगों को दीप्ति नवल और फारूक शेख को पर्दे पर एक साथ देखना बड़ा पसंद था। दीप्ति और फारूक ने 8 फिल्मों में एक साथ काम किया। दीप्ति नवल के साथ इनकी आखिरी फिल्म थी लीसिन अमाया, जो की 2013 में रिलीज हुई थी। फारूक शेख ने अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर में मात्र 60 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने टीवी शोज में भी काम किया था। जीना इसी का नाम है शो ये होस्ट कर रहे थे और इनकी एंकरिंग का अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया था। शबाना आजमी के साथ इनका नाटक तुम्हारी अमृता पूरे 20 साल तक चला। 2012 की 26 फरवरी को इनका नाटक तुम्हारी अमृता आखिरी बार आयोजित किया गया। देश विदेश में इन्होंने अपने इस नाटक को परफॉर्म किया और ख्याति पाई थी। 2009 में रिलीज हुई फिल्म लाहौर में इनके काम के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल से भी नवाजा गया था। वहीं अभय देओल और इमरान हाशमी के फिल्म
शंघाई में भी इनका काम पसंद किया गया था। ये जवानी है दीवानी में फारूक शेख रणबीर कपूर के फादर के रोल में नजर आए थे। इसके बाद ये क्लब 60 नाम की फिल्म में सारिका के साथ दिखे। इस फिल्म में इन्होंने अपनी इमोशनल एक्टिंग से लोगों को रुला ही दिया था। इस फिल्म के रिलीज के बाद वो मनहूस खबर आई जिसने कईयों के दिल को तोड़ कर रख दिया। नए साल के मौके पर फारूक अपने परिवार के साथ दुबई घूमने गए थे। वहीं पर 28 दिसंबर 2013 को हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। इनकी मौत की खबर जैसे ही भारत पहुंची तो फिल्म इंडस्ट्री में मातम सा पसर गया। इनके फैंस भी इस खबर से बेहद दुखी हुए। हिंदी सिनेमा का एक बेहद शानदार एक्टर इस तरह अचानक चला गया, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 30 दिसंबर 2013 को फारूक साहब को कब्रिस्तान में इनकी मां की कब्र के ठीक बराबर में दफना दिया गया। फारूक शेख की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने रूपा जैन से शादी की थी। रूपा जैन इनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और इनकी जूनियर थी। रूपा जैन और शबाना आजमी क्लासमेट थी। रूपा जैन से इनकी 3 बेटियां हैं। फारूक शेख उन अभिनेताओं में से थे जो सेट पर हमेशा किसी मस्त मौला इंसान की तरह रहते थे। फारूक शेख अपनी हीरोइन की टांग खींचा करते थे। फारूक की मौत के बाद 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान दीप्ति नवल ने बताया था कि लीसिन अमाया में उन्होंने 26 साल बाद फिर से फारूक के साथ काम किया था, लेकिन इतने सालों बाद भी फारूक उनके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। फारूक को याद करते हुए कॉलेज में उनकी जूनियर रही शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और फारूक हमेशा कॉलेज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीतते थे। दोनों को 50-50 रुपए मिलते थे जो कि उस जमाने में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। फारूक को बेस्ट प्ले अवार्ड भी मिला था और उन्हें 150 रुपए और इनाम भी मिल जाते थे। इन पैसों से ये दोनों अपने दोस्तों संग पार्टी करने चले जाते थे। इस घटना को याद करते हुए शबाना आजमी बताती है कि तुम्हारी अमृता नाटक का एक शो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में हुआ था, लेकिन ड्राइवर के रास्ता भूल जाने की वजह से ये दोनों नाट्य स्थल पर 2 घंटे देरी से पहुंचे। इतनी देर में टिकट खरीदकर नाटक देखने आए लोग बेहद गुस्सा हो चुके थे और वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो फारूक शेख आगे आए और उन्होंने लोगों से कहा कि आप नाटक देख लीजिए, अगर आपको नाटक पसंद नहीं आया तो मैं आपके पूरे पैसे रिफंड कर दूंगा। इसके बाद नाटक हुआ और जब नाटक खत्म हुआ तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दर्शकों ने दिया। फारूक महज एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बेहद अच्छे इंसान थे। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में ताज होटल के एक मेंटेनेंस वर्कर को भी आतंकियों ने गोली मार दी थी और वो अपने परिवार का एक लौता कमाने वाला था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उसके परिवार की खबर छपी देखकर फारूक ने उनसे संपर्क किया और परिवार के दोनों बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली, वो भी इस शर्त पर कि इसके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। हर साल अखबार वाले ताज होटल के उस कर्मचारी के बेटों की पढ़ाई का खर्च फारूक साहब को बता देती थी और फारूक साहब बिना कोई सवाल किए उनका बताया हुआ अमाउंट चेक से देती थी। फारूक साहब के फैंस कहते थे कि फारूक काफी जल्दी इस दुनिया से चले गए, अभी उन्हें कई साल और जीना था। हमारे चैनल का भी यही मानना है, बल्कि ये एक बेहद शानदार इंसान भी थे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।